फिल्म KGF में किसने दी यश के कैरेक्टर को हिंदी में आवाज। हम ऐसे लोगों की भी तारीफ करना चाहिए जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में बताएंगे। बॉलीवुड की फिल्म में पैसे कैसे कमाती है बताएंगे आपको पूरा प्रोसेस। और क्या आज से पहले आपने कभी इतने सारे पैरों वाला पक्षी देखा है? नहीं तो आज देखेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि अफ्रीका के एक आदमी को अमेरिका के जू में क्यों रखा गया था। जान के आपके आंख से आंसू निकल जाएंगे। तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, साउथ इंडियन सिनेमा की फिल्में जब से हिंदी में रिलीज होने लगी है तब से डबिंग आर्टिस्ट की भी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। KGF चैप्टर 1 और 2 में सुपरस्टार यश की आवाज हिंदी में सचिन गोले ने डब की है। सचिन के सिलेक्शन की स्टोरी काफी मजेदार है। असल में वे साउथ इंडियन फिल्मों की डबिंग किया करते थे और उन्हें यूट्यूब चैनल पर डाल दिया करते थे। एक दिन यश अपनी ही कुछ फिल्में जैसे रामाचारी और लकी हिंदी में डब की हुई यूट्यूब पर देख रहे थे। उन्हें सचिन की आवाज काफी पसंद आई और अपनी टीम से सचिन की तलाश करने को कहा। इसके बाद सचिन का ऑडिशन हुआ और उनकी आवाज सभी को पसंद आई। KGF चैप्टर 1 की डबिंग में सचिन को सिर्फ 3 दिन का समय लगा लेकिन दूसरे चैप्टर में 11 दिनों का समय लग गया। सचिन ने बताया कि अक्सर यश खुद उनके साथ बैठकर सारे डायलॉग सुनते थे जो उन्हें पसंद नहीं आता था, उसके कई रिटेक्स कराए करते थे। फैक्ट नंबर 2, बॉलीवुड की फिल्में पैसे कैसे कमाती है। अक्सर बड़े स्टार्स की खराब स्टोरी लाइन वाली फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है। बड़े स्टार को कास्ट करने के कारण कभी भी प्रोड्यूसर घाटे में नहीं रहते। छोटे स्टार्स जो मूवी 2 से 4 करोड़ में करने के लिए तैयार रहते हैं वही बड़े अभिनेता फिल्म के लिए इससे 10 गुना रकम चार्ज करते हैं। वही शाहरुख खान और सलमान खान जैसे फिल्म स्टार्स अब फिल्म की फीस नहीं लेते बल्कि प्रॉफिट शेयर पार्टनर बन जाते हैं। एक प्रोड्यूसर फिल्म के रिलीज से पहले ही करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। सबसे पहले वो फिल्म के राइट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स वो राइट्स सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं जिनसे फिल्म अलग अलग सिनेमा घरों तक पहुंचती है। इसके अलावा डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स जैसी कई चीजों से प्रोड्यूसर बहुत पैसा कमाते हैं। इसकी वजह से ही फिल्म हिट हो या फ्लॉप उससे प्रोड्यूसर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिल्म की लागत से अधिक की कमाई वो पहले ही कर चुके हैं। आज भी भारत की कितनी जनता ऐसी है जो स्टोरी या थीम के बजाय सुपरस्टार का नाम देखकर ही सिनेमा घर फिल्म देखने पहुंच जाती है। नंबर 3, आज के वक्त में रंग या रूप नहीं देखा जाता लेकिन एक वक्त था जब अमेरिका में ब्लैक लोगों को किसी गुलाम की तरह देखा जाता था। काले लोगों के साथ उस वक्त ऐसा बर्ताव होता था कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा लड़का था जिसकी कहानी सुनकर सब चौंक जाते हैं। इस लड़के का नाम था ओटा बैंगा। ये अफ्रीका के एक खास आदिवासी जनजाति से ताल्लुक रखता था लेकिन अमेरिका के लोगों ने इसके जनजाति के सारे लोगों को मार दिया सिवाय इसके क्योंकि ये शिकार पर गया हुआ था। लेकिन वापस आने के बाद इसे बंदी बना दिया गया और फिर इसे US में लेकर जाकर जू में रखा गया। इसके साथ 7 और बच्चे थे जिन्हें देखने के लिए लोग पैसे दिया करते थे लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर था ओटा क्योंकि उसके दांत नुकीले कील जैसे थे। ओटा का कहना है कि उसके जनजाति के सारे लोगों के दांत ऐसे ही हुआ करते थे लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। लोग इसे देखने के लिए बहुत पैसे दिया करते थे। सोचिए एक इंसान को जानवर की तरह रखा जाता था, बीमार होने पर भी उसे लोगों के सामने प्रदर्शन करना पड़ता था। नंबर 4, एक बार जरा आप इस पक्षी को देखिए, इस पक्षी के कितने सारे पैर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैर को ये पक्षी मैनेज कैसे करता होगा, तो हम आपको बता दें कि ये एक पक्षी के पैर नहीं है। दरअसल ये एक खास तरीके का पक्षी है जिसका नाम है जैकाना। और जो पुरुष जैकाना होते हैं वो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा के रखते हैं ताकि कोई दूसरा जानवर इनका शिकार न कर दे। और ये बाकी जो पैर है वो उनके बच्चों के ही है। और नॉर्मल जैकाना के 2 पैर होते हैं लेकिन इन 2 पैर भी काफी यूनिक होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और इनके बड़े पैर इनको पानी में तैरती इन लीव्स पर चलने में मदद करते हैं। नंबर 5, दोस्तों भारत में लड़कियों के ऊपर एक टैग लगाया जाता है पवित्र और अपवित्र होने का। जब महिलाएं पहली बार संभोग करती है तो उनकी वर्जिनिटी लूज हो जाती है और अगर ये शादी से पहले हो तो उसे अपवित्र माना जाता है। और अगर शादी से पहले किसी और को ये बात पता चल जाती है कि लड़की वर्जिन नहीं है तो ये शादी होती ही नहीं है। पर सेम रूल लड़कों के लिए नहीं होता क्योंकि लड़का वर्जिन है या नहीं इस बात को टेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है। जब लड़कियों का हैमन टूट जाता है तो उन्हें अपवित्र कहा जाता है लेकिन कई लोग ये बात नहीं जानते कि हाइमन बस संभोग से ही नहीं टूटा, कई बार साइकिल चलाते वक्त या फिर कोई दूसरा तरीके का स्पोर्ट्स खेलते वक्त भी हो सकता है। लेकिन अब लोगों को कौन समझाए और इसीलिए हाइमेनोप्लास्टी नाम की सर्जरी मार्केट में आ गई है जो कि हाइमेन को फिर से ठीक कर देता है और इसको आमतौर पर 25 से कम साल की लड़कियां ही करवा रही हैं।